Hey guys, I'm Ratee and you are studying nursing with me. So guys, काफ़ी time हो गया है, कोई video upload नहीं की है, so sorry for the late. And आज हम discuss करने वाले हैं dopamine drug को. Dopamine drug एक emergency drug है guys, और mainly हम इसे use करते हैं shock की condition को treat करने के लिए. डोपामिन को अगर हम क्लासिफाई करते हैं गाइस, तो ये सिम्पेथोमाइमेटिक्स की कैटेगरी में आती है. सिम्पेथोमाइमेटिक जो ड्रग हैं उनका एक्शन उसी तरीके से होता है गाइस, जिस तरीके से जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी की कंडीशन में एक्टिवेट होता है, और उस इमरजेंसी कंडीशन से डील करने के लिए जिस तरीके से हार्ट पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट होता है, लाइक वहाँ पर जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट की मसल्स का वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट के अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाता है. सो इस तरीके का जो इफेक्ट है वो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग भी प्रोड्यूस करती हैं जब हम उन्हें यूज़ करते हैं इमरजेंसी कंडीशन से डील करने के लिए. लाइक जब शॉक की कंडीशन होती है तो हम इन ड्रग को यूज़ करते हैं. ये शॉक चाहे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो या फिर कार्डियोजेनिक शॉक हो, सो इन कंडीशंस में हम डोपामिन सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग को यूज़ करते हैं. डोपामाइन के फार्माकोलॉजी क्लास की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की कैटेगरी में. इट मीन्स कि ये यहाँ पर बीटा और अल्फा दोनों ही रिसेप्टर पर अपना इफेक्ट शो करता है, इसीलिए इसे नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट कहा जाता है. डोपामिन का जो एक्शन है गाइस वो इसकी डोजेस पर डिपेंड करता है, और इसकी जो डोजेस है वो इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि हम किस तरीके की कंडीशन है उसे ट्रीट करना चाहते हैं. लाइक हाइपोवॉलीमिया या फिर कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन है तो यहाँ पर लो डोजेस हमें यूज़ करनी होगी डोपामिन की, एंड इसका जो इफ़ेक्ट है वो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स पर देखने को मिलेगा, कि जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे लो डोजेस पर. एंड मेन जो इसका एक्शन देखने को मिलेगा हमें किडनी के ऊपर इसका एक्शन दिखाई देगा, कि वहाँ पर वैसोडाइलेशन क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो इसका यूज़ हाइपोवॉलीमिया एंड कार्डियोजेनिक जो शॉक है उस कंडीशन में लो डोजेस पर बनता है. एंड अगर हम इसे हाई डोजेस पर यूज़ करते हैं गाइस, तो ये बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट फोर्सफुली बीट करना शुरू कर देता है, एंड जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है. एंड हाई डोजेस पर इसका इफेक्ट अल्फा रिसेप्टर्स पर भी देखने को मिलता है, वहाँ पर ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर लो था वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. एंड जब भी हम डोपामिन को एडमिनिस्टर करते हैं गाइस, तो यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट को भी हमें मॉनिटर करना होगा. यहाँ पर जो मेजर एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे उसमें डिसएरिथमियास बहुत ही कॉमन एडवर्स इफेक्ट है डोपामिन का, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि जब भी हम डोपामिन को यूज़ कर रहे हैं गाइस, तो इसका जो मेजर इफेक्ट है या जो मेन एक्शन है वो हार्ट की रिदम से रिलेटेड है. तो इस तरीके के जो एडवर्स इफेक्ट है वो अराइज होना डोपामिन के केस में बहुत ही कॉमन है. और दूसरा जो एडवर्स इफेक्ट है वो है हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन इसीलिए क्रिएट हो सकता है कि एक्यूरेट हमने डोज नहीं दिया है पेशेंट को, तो यहाँ पर हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है. एंड जब भी हम डोपामिन को यूज़ करते हैं गाइस, तो कभी कभी ये स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी डैमेज कर सकते हैं, तो ये भी हमें मॉनिटर करना होगा कि कहीं कोई सॉफ्ट टिश्यू या स्किन तो डैमेज नहीं हो रही है डोपामिन के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से. एंड एक्स्ट्रा वैसेशन की कंडीशन मीन्स अगर इंट्रावेनस अगर हम फ्लूड दे रहे हैं और फ्लूड लीक होकर सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर
फिल हो जाता है तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम फेंटोलिन का यूज़ कर सकते हैं 5 to 10 mg फेंटोलिन हम पेशेंट को दे सकते हैं गाइस। और यहाँ पर ये जो फेंटोलिन है वो एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, सो यहाँ पर डोपामिन का जो एक्शन है उसे ये रिड्यूस कर देगा। डोपामिन ड्रग को हम किन कंडीशंस में यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो दो मेजर कंडीशन है गाइस, फर्स्ट है अगर कोई ट्यूमर की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम डोपामिन को यूज़ नहीं करेंगे, एंड सेकंड कंडीशन है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मीन्स हार्ट का जो वेंट्रिकल पार्ट है उसके अंदर फिब्रिलेशन है, मीन्स जो रिदम है वेंट्रिकल्स का वो प्रॉपर नहीं है वहाँ पर, सो ये जो कंडीशन है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहलाती है, सो इस कंडीशन में भी हम डोपामिन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो ये दो कंडीशन है जिसमें डोपामिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। डोपामिन को जब भी हम यूज़ करते हैं गाइस तो हमें कुछ ड्रग को अवॉइड करना होता है साथ में देने से। सो इस कैटेगरी में जो फर्स्ट ड्रग को हम इंक्लूड करेंगे वो है MAO इनहिबिटर्स एंड एर्गॉट एल्केलॉइड्स, जिनको अगर हम डोपामिन के साथ में यूज़ करते हैं गाइस तो यहाँ पर ये अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का जो इफेक्ट है उसे इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पर ये हाइपरटेंशन की कंडीशन को डेवलप कर देगा, तो इस वजह से हमें इन दोनों ड्रग को अवॉइड करना है डोपामिन के साथ में। एंड अगर फेनिटोइन को हम डोपामिन के साथ में यूज़ करते हैं गाइस तो ये डोपामिन का जो इफेक्ट है उसे कम कर देता है, सो जो रिक्वायर्ड इफेक्ट में चाहिए डोपामिन का वो नहीं मिल पाएगा, सो इसलिए हमें फेनिटोइन को अवॉइड करना होगा साथ में देने से। एंड बीटा ब्लॉकर ड्रग, बीटा ब्लॉकर जो ड्रग है वो आइनोट्रॉपिक इफेक्ट को कम कर देती हैं गाइस, सो यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स को भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं डोपामिन के साथ में। एंड लास्टली डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन जो ड्रग है वो डिसअरिथमियास को क्रिएट करती है, सो इस वजह से हम डिसअरिथमियास की जो कंडीशन है उसे अवॉइड करने के लिए डोपामिन को डिजॉक्सिन के साथ में कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। सो ये चार मेजर ड्रग हैं गाइस, जब भी हम डोपामिन को यूज़ करेंगे तो इन्हें हमें अवॉइड करना होगा। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोगों को अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल रही है वो आपके लिए यूज़फुल है, तो आप लोग शेयर कीजिए गाइस, जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर कीजिए, क्योंकि टाइम एंड मनी दोनों ही वैल्यूएबल होते हैं गाइस, और एक स्टूडेंट के लिए मनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और टाइम भी। सो आपको जो सर्विसेज फ्री में अवेलेबल है गाइस तो आप उसके लिए एफर्ट कीजिए, आपके लाइक और शेयर की वजह से दूसरों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है, सो इस वजह से लाइक कीजिए कि यहाँ पे आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इतना ही है, आपको सिर्फ लाइक और शेयर का कंट्रीब्यूशन देना है गाइस, सो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को जितना हो सके और शेयर कीजिए, एंड चैनल की जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपके लिए वैल्यूएबल है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए गाइस। एंड डोपामिन का अगर ओवरडोज हो जाता है गाइस तो यहाँ पर जो इन्फ्यूज़न है उसे हमें डिसकंटिन्यू कर देना है, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है, सो इसके डिसकंटिन्यूएशन की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे गाइस, और अगर फिर भी ज़रूरत होती है तो यहाँ पर फेंटोलिन जो एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है उसे हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन को स्टेबलाइज करने के लिए। सो ये था आज का हमारा टॉपिक डोपामिन, आई होप दिस इंफॉर्मेशन वुड बी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।